आज हबीबनगर पुलिस लिमिट्स में शाम में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम किया गया है। इसमें शिव मारती ACP आसनर के लीडरशिप में इंस्पेक्टर नरेंद्र हबीबनगर और उनके स्टाफ, उसके साथ 2 मेन प्लेटून 1 वुमेन प्लेटून और लोकल स्टाफ जुमला 135 पुलिस अफसरान के साथ में ये अमीन भाई मंडी के एरिया में और उसके आसपास के 7 लोकेलिटीज़ के में उसे कम्युनिटी प्रोग्राम किया गया है। और इस दौरान में बोलो जुमला 8 CIs, 10 SIs, 2 ASIs, 100 हेड कॉन्स्टेबल्स एंड PCs एंड 15 WHGs पार्टी PAs में यहाँ पर एरिया में फिर के पब्लिक को अवेयरनेस बढ़ाए रिगार्डिंग गांजा के बारे में और दूसरे अनसोशल एक्टिविटीज के बारे में और उनके फेल्ट नीड्स, यहाँ की ज़रूरियात क्या है लोकेलिटी में, यूटीजिंग हो रहा क्या, गांजा बिक रहा क्या या बेल्ट शॉप्स है क्या, इस तरफ से भी दरियाफ्त किया गया। और यहाँ के लोग बोलो रिक्वेस्ट ये किए कि यहाँ पर थोड़ा विजिबल पुलिसिंग बढ़ाना चाहिए और CC कैमराज के बारे में बताया गया और GHMC स्ट्रीट लाइट्स की कमी है बताया गया। तो जो भी यहाँ महकमे हैं वो महकमे से बात करेंगे, बात करके जहाँ तक हुआ अमल करने की कोशिश करेंगे। अब रही बात CC कैमराज का कि हैदराबाद सिटी में CC कैमराज 2 तरह के इंस्टॉलेशन हो रहा है, एक तो नैन सत्यम तो पब्लिक पार्टिसिपेशन है उसमें। अगर आपका किराना शॉप है, आपका कोई शॉप मेडिकल स्टोर्स है तो आप अपने शॉप के आसपास में कैमरा जो लगाते हैं हम उसको जियो टैग करके आपके कैमरा के DVR से हम लिंक कर लेके और कुछ भी ऑफेंस होता है वो एरिया में तो आपकी मदद लेते हैं। अब कम्युनिटी कैमरा बहुत पैसा है कि इसमें गवर्नमेंट की जानब से GHMC जानब से या तो कोई फंड रेज करे तो वहाँ से हम उसके कैमराज लगाते हैं। तो 2 तीन कैमराज है। तो रही बात लाइटिंग की, GHMC से बात करेंगे, बात करके हम उसको देखेंगे कि पूरा एरिया उसको इलेक्ट्रिक हो सका। और इस दौरान में उसको जुमला 23 गाड़ियाँ सीज किए गए और 1,04,040 रुपये फाइन अमाउंट पेंडिंग है गाड़ियों पर। और उनको ताकीद करेंगे कि भाई जो भी चालान पेंडिंग चालान है वो तो जल्द से जल्द बनकर अपनी गाड़ी रहा कर लीजिए। और ये वो सो एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर पुलिस और पब्लिक इंटरफेस है और इसमें जो लोग पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते वो लोग अपने अफसरान से मिल सकते हैं, मिल से मिलकर अपने जो भी मसाइल हैं बोल सकते हैं। तो इस दौरान में वो सब बात कर तक यहाँ के सीनियर सिटीजन से मिलना हुआ, शॉपकीपर से मिलना हुआ और उनके जनरल मसाइल क्या है वो मालूम करना हुआ। बस ऐसा नहीं है, देखिए आज के ज़माने में कैसा है कि जो वायलेशन हो रहे हैं, पहले ट्रैफिक की गाड़ियाँ ट्रैफिक कॉन्स्टेबल्स और पुलिस ऑफिसर्स गाड़ी रुका के चालान करते थे, उसमें काफ़ी तौर पर इंट्रैक्शन होता था, इंटरफेस होता था, बहस होती थी। तो अभी क्या होगा, पूरा ई चालान सिस्टम हो गया। ई चालान सिस्टम में क्या है, आप वायलेशन जानबूझ के कर रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, रेड लाइट पर जंप कर रहे हैं या ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं या नंबर प्लेट इरेगुलर रख रहे हैं, तो वैसे दौरान पे क्या होता कि फ़ोटो निकालते हैं आपकी गाड़ी का, निकाल के घर पे ऑटोमेटिक मैसेज आता है, आने के बाद में आपको चालान आता। तो वो अगर आप उसको इग्नोर करते रहे, नहीं भरे, तो अब जब एक गाड़ी पे हमारा डेली DSR में भी डिस्कशन होता है इसका कि टॉप वायलेशंस एक गाड़ी पे एक बार 30-35 हज़ार रुपये चालान होता, गाड़ी का आपका वर्थ 10-12 हज़ार का रहता। तो ये वायलेशन के बारे में उनको आगाह करना है, उनको इल्म दिलाना है कि भाई आपकी गाड़ी पे चालान है, आप जल्द से जल्द भर लीजिए। नहीं करेंगे हम उनको बता देंगे, अगर कोई पे कर सकता है तो पे कर सकते हैं, छोटा अमाउंट पे करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, अदरवाइज फिर उन लोगों को बता देंगे कि उनका हमारे टाइम बता देंगे कितना चालान है, वो लोग जाकर जल्द से जल्द भर लेंगे गाड़ी नहीं करेंगे गाड़ी सीज नहीं करेंगे, उनको खाली इतला देंगे, इल्म देंगे कि भाई आपके बारे चालान पड़ेंगे। क्योंकि होता क्या मालूम कि रिसेंटली मेरे पास एक रिक्वेस्ट थी, एक गाड़ी छोटी गाड़ी पे 12 हज़ार चालान पड़ेंगे, घर में पेरेंट्स को इतला नहीं है, बच्चे अर्ली मॉर्निंग गाड़ी लेके चलाते हैं, माइनर्स है बच्चे, तो उसमें क्या है पेरेंट्स की जिम्मेवारी है, गाड़ी की चाबी लगा दिए कीबोर्ड पे, वहाँ से बच्चे गाड़ी लेके चले गए और घुमाते रहे गाड़ी, साइड जंप करते रहे, ट्रिपल राइडिंग करते रहे, तो क्या होता बहुत सारे टाइम पे पेरेंट्स मालूम होता। और जब लेटर आता है घर को ये बच्चे वो सब लेटर पर डिस्ट्रे कर देते, तो घर वालों को मालूम नहीं था कि भाई ये चालान गाड़ी पर है या नहीं है, तो उनको हम इतला करेंगे भाई अभी गाड़ी पर चालान है, आप जल्द से जल्द पे कर लीजिए हमारा।